गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई, मैं रेडी हो रहा था। यहाँ पे वाइफ ने मेरा नाश्ता भी रेडी कर दिया सुबह सुबह उठ के। ये देखो, चाय और अपनी ब्रेड, और मैं भी रेडी। अब निकलते, कल छुट्टी हो गई थी, लेट नहीं होना। और उन्होंने शिफ्ट भी जल्दी की दे दी, 7 से 3:30 की होती थी, 6:30 कर दी। तो जल्दी पहुँचना है, खा पी के निकलते हैं। पहली बस ही मेरी 5:40 की होती है, क्या करे भाई, वो तो मजबूरी नहीं समझते। बाय मेरे बच्चा, टेक केयर, लव यू टू। तो भैयो, बारिश आ रही है और छतरी कितना ही बचा लेगी चलते चलते। देखता तो है बंदा, बैग भी हाथ में। और क्या कहते हैं, 5:40 से पहले आ गया हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट बची है 5:40 होने में। बारिश वाला सीन ख़राब करती है, बिंदा भीग जाता है छतरी, ये वो फलाना नमक का। देखो क्या होता है आज का दिन, शुरुआत तो बारिश हुई है। नहीं चाहिए यार। तो भाई जा रहे हैं अब घर पे, और एक अच्छी चीज़ हो गई, स्नो गिर रही है। दिख नहीं रही होगी, अभी इकट्ठी हो जाएगी ना तब दिखाएंगे। बहुत अच्छी लग रही है लेकिन, है ना भाई, के ऊपर दिख रही है ब्लैक ब्लैक। कहाँ से हो वैसे भैया? नेपाल से है? ब्लॉग बना रहे हो? और क्या, नेपाल से है भाई, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान से, नेपाल से, सारे बंदे मिल के ऐसे रहते हैं बस। भाई बड़ी तेज़ हवा चल रही है, हाथ फ्रीज हो गया फ़ोन पकड़ने में। और मौसम ऐसा हो रहा, कभी बर्फ गिर रही है, कभी नहीं गिर रही, हवा चल रही है तेज़ तेज़, फुल ठंडा हो गया। अब मैं तो रख रहा हूँ हाथ अंदर, जम गए हाथ। सुन हो गए, सुन, ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है तेज़ तेज़। खाना खा लेते हैं भाई। सुना ही था कि वीकेंड की लाइफ होती है बाहर, सच में वीकेंड की होती है। आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं और अब सो जाते हैं, फिर जाएंगे जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे। वीकेंड के दिन बचते हैं, उसी दिन कोई मस्ती होती है, थोड़ी बहुत एंजॉय कर लो, या शॉपिंग पे चले जाओ, बाहर मार्केट में चले जाओ। थोड़ी देर सो के उठ गया, वाइफ आ गई, भाई पुलिस आ गई, पुलिस। तो भाई चावल, चाय, हमारे गाइस आ चुके हैं, हमारी मैडम आ चुकी है। वहाँ पे मैगी सबसे बेस्ट लगती है पहाड़ों पे। तो एक चीज और बताती हूँ, जो इसका सब्जी का मैंने निकाला था, उसमें ये सॉल्ट आना था। खाना बन रहा है, क्या बन रहा है आज खाने में? क्या दम आलू इस तरीके से बनाते हैं, इनका दम निकाल के तल दिया बेचारों को। भाई मुझसे स्पेशल आटा गुंदवाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं इसमें, मिर्ची भी डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं, अजवाइन भी डाल रहे हैं। और ये क्या डाल रहे हो? अजवाइन ही है। अच्छा, अजवाइन है, उससे पहले जीरा डाल दिया। ये कुछ स्पेशल बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरे को कचौरी वाली फ्लेवर लग रहा है। खैर आप कुछ भी कह सकते हो। को तू रोक ना, उसी टाइम पे रोक दिया मैंने इसको। अभी लेने ले, स्पेशल चीज़ बन रही है भाई आज, कुछ स्पेशल चीज़ें बन रही है। पूड़ी बन रही है, दम आलू बन रहा है, मैडम कुछ स्पेशल बना रही है, और मीठे में भी तो बन रहा है क्या, सूजी का हलवा। डांस है इसका, दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती है। पहले एक थी, एक से भले दो हो गई, अब एक एक से भले दो। नए नए आइडिया प्रभ भी देती रहती है, इसके पास तो थे ही, देख रहे हो। जल्दी करो जल्दी, पूड़ी के लिए खड़े हम, पूड़ी के लिए खड़े हो। ऐसे ऐसे करते हुए यूं आएगी ना, चलो काट लो ये। भाई मैंने करा है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं वीडियो में, जब वीडियो नहीं बना पाता मैं वीडियो नहीं बना पाता उस टाइम पे भाई। देखो हलवा रेडी हो रहा है यहाँ पे, मस्त एकदम सूजी का हलवा, या पूड़ी भी यहाँ पे रेडी है। ना करना, मैं सोचा मेरे को कह रहे हो, अच्छा पूड़ी को कह रही थी ये। भाई वेस्ती मत करियो, फूल जाइयो। आप नहीं फूलना, आपको नहीं फूलने दूंगी मैं। फूल गया तो फिर मनाते रहो, मैं उल्टा आपको ही मनाना पड़ता है, छोड़ो यार उल्टा हो जाता है। सही है, बढ़िया बनी है एकदम पूड़ी, मस्त।
भटूरा बन रहा है, भटूरा। भाई फाइनली इतनी सारी डिशे बन गई है, पहले इसको बंद करें यार, इसकी आवाज़ बहुत आती है। बंद हो जा भाई, जब ब्लॉगिंग करता ना उसी को ध्यान रहता है इन चीज़ों का, कहाँ से आवाज़ आ रही है कहाँ से नहीं आ रही। तो देखो आज कितनी सारी चीज़ बनाई है उन्होंने, रोटी बनाई है, पूड़ी बनाई है, हलवा बनाया है, दम आलू बनाया है, खीरे काटे हैं और रायता बनाया है। अरे आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, आपका तो जा चुका है, जा चुका है, चैनल पे आ भी चुका है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो नया दिन शुरू हो गया, उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था फिर, लेकिन उठना तो पड़ेगा, लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, 5:30 हो गए, लेकिन आज सिर्फ 4 बजे के तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन करना जल्दी पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पहुँच जाऊँगा तो आराम आराम से कर। चाय ब्रेकफास्ट करते हैं, मैडम भी उठ गई है, ब्रेकफास्ट वही बनाई है, देखते हैं आज के अपडेट क्या रहने वाला, पूरा दिन देखना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आजकल, अच्छा लगता है पढ़ के, बाकी बातें शेयर करते रहेंगे। सुबह सुबह रेडी अपना ब्रेकफास्ट, थैंक यू, इतनी सारी चाय, इतना बड़ा कप भर के पिले से चाय ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मिल ना रहा है। तो आज मैं 10 बजे ही वापस घर जा रहा हूँ, मेरे को 9:45 पे एक मैडम ऐसे घूमते फिरते रैंडमली चेक कर लेती है, तो उसने देखा कि आपका नाम, फिर नाम देखने के बाद उसने देखा कि आपके एक घंटे में 34 प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्टिविटी लो। मैंने बोला भाई कभी मशीन नहीं चलती, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलते, तो कह रही सेम सिचुएशन बाकियों के साथ भी है, उनकी कैसी ज़्यादा है, आज घर जाओ आप। घर भेज दिया, पहले बात तो ये बुलाते क्यों है अगर घर ही भेजना है तो, और दूसरी बात प्रोडक्टिविटी कैसे ये देख सकते हैं, जब कोई सेक्शन के अंदर टाइम लगता है, जैसे एम सेक्शन हो गया, अगर आपको एम सेक्शन मिल रहा है तो वहाँ तो टाइम लगेगा लगेगा, वहाँ पर जैसे सूट टके होते हैं ना ऐसे लाइन से, उनमें बार कोड ऐसे ऐसे घुस घुस के देखना पड़ता है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं ऐसे रखे हुए होते हैं वो सीधे ही दिख जाते हैं, वो सेक्शन अलग होता है जिसके रखे हुए होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर एक सरदार जी मिले, वो कह रहे जा रहे हो, और इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला किस पे हो, मैंने कहा वर्क परमिट पे, तो उन्होंने कहा आप सिक्योरिटी का करो, आपके काम ये आपके मतलब का काम नहीं है, ये तो स्टूडेंटों के लिए है कि अपना एक दिन शिफ्ट लगा ली, 4 दिन शिफ्ट लगा ली, 3 दिन शिफ्ट लगा ली, रेगुलर वाले बंदों के लिए ये काम नहीं है, आप तो अच्छा काम कर सकते हो, सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छा काम माना जाता है, पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। बाकी घर जा रहा हूँ, जॉब मेरे को शुरू से पसंद नहीं थी, तो भाई किसी एजेंसी वेजेंसी के चक्कर में शुरू में पढ़ रहे हो तो शुरू में कर लेना खर्चा पानी निकालने के लिए, बाकी ये कोई खास जॉब नहीं होती, बकवास जॉब है एक नंबर की, मतलब बंदे का जूस भी निकालो उसके बाद भी तुम ऐसे घर भेज दो, डेली के 15-16 किलोमीटर चलना फिर घर भी भेज देना, क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार। ज़्यादा ही हीरो बन जाते हैं ना वहाँ पे जो लगे हुए हैं ना, कल 1-1.5 साल पहले खुद भी यही करते होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं यही सोच रहा था सबको कभी ना कभी भेजा, मेरे को आज तक नहीं भेजा, आज मेरा नंबर था, ये वीक तो फिर क्या ही हुआ, 2 दिन आया हूँ, 1 दिन 1-2 घंटे काम हुआ बस, बेकार हो गया। तो वही आज उजाले में निकल रहे हैं, हवा तेज है, मौसम वैसे ठीक है, धूप आ रही है, देखो खिला मौसम है लेकिन हवा तेज है और ठंडी हवा है, तो इसके अंदर तो हिला देने वाला हिसाब किताब है। बस का वेट कर रहे हैं, घर जाएंगे, आज वीडियो एडिट करेंगे, टाइम है अपने पास, ये क्या नौकरी देंगे हम, अपने यूट्यूब से कमाएंगे, देखना एक। मेरे को निकाल दिए, बोले जाओ घर, हाँ हाँ उन्होंने बोला व्हाट्स योर नेम,
फिर कह रही कि आपके 34 प्रोडक्ट एक घंटे में आ रहे हैं, आप घर जाओ। मैंने बोल दिया कभी मशीन नहीं चलते, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलते, कभी डिपेंड करते हैं। तो क्या सबके साथ ये, वो तो आपके साथ थोड़ी है। मैंने ठीक है मैं आ गया फिर। और डेली किसी ना किसी को भेजते हैं, आज मेरे को भेजना था उनको। निकाल दिया, बुलाएंगे नहीं क्या? नहीं कल जाओ, आज आज का दिन ख़त्म, बुलाएंगे नहीं। मुसाफिर उड़ गया रे, चलो मुसाफिर चलो। ये देखो भाई इधर है ना दिक्कत यही है, जूते बाहर खोलने पड़ते हैं, बैठ के नीचे फिर करना पड़ता है, कुर्सी रख नहीं सकते, दरवाज़ा कैसे ही बंद होएगा। क्लोजेट बड़ी होती है, वहाँ पे सब स्टूल वगैरह रखे होते हैं। ठीक है बाय बाय बाय। शक्ल ही नहीं देखी। लव यू, अच्छी लग रही है, मैं देख तो रहा हूँ। डॉल लग रही है, डॉल बेबी डॉल में सोने की। अंदर ही रहूँगा, अंदर फोन निकलेगा। तो भाई उठ गए, अब करना है सिक्योरिटी का काम। आज कंप्लीट करके छोड़ के ही मानूंगा, कंप्लीट करके ही मानूंगा। तो फाइनली पता लग गया, सिक्योरिटी गार्ड का जब एग्ज़ाम पास हो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड का जब लाइसेंस आप मंगवाते हो तो उसमें जो गारंटर एक कॉलम होता है उसके अंदर क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कौन भर सकता है, कौन गारंटर नहीं बन सकता, वो सारी चीज़ें मुझे पता लग गई है बहुत रिसर्च करने के बाद। लोगों से पूछोगे तो कोई क्या बताएगा, मिसगाइड हो जाओगे। वो शुक्र है मैंने सबमिट नहीं करा, उससे पहले मैंने रिसर्च कर ली गूगल वगैरह पे हर चीज़। उसका एक कहना प्रॉपर फॉर्म होता है, आप लिखोगे वहाँ पे गारंटीड सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस फॉर्म, तो गूगल पे वैसे भी मिल जाएगा और उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा ओंटारियो की, जहाँ से हम अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का। तो डाउनलोड करके फिर इसका 3 पेज का फॉर्म होता है, पहले 2 पेज में उन्होंने समझा रखा होता है, जो 3rd पेज होता है बहुत ईजी होता है, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन, हमने क्या क्या शो किया है वो, और जो गारंटर बन रहा है उसका नाम, सिग्नेचर, डेट। फिर वो सारी चीज़ें होने के बाद भाई घर में ऐसे ही रहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान मत देना, ठीक है? तभी मैं ऊपर से जैकेट पहन लेता हूँ, अब देख लो ना कुछ नहीं पहन रखा। तो इन चीज़ों पे उसको फॉर्म को सब कुछ भर सकते हो, बस एक साइन नहीं कर सकते उस पर। तो उसको प्रिंट निकालना है, साइन करना है, फिर स्कैन करना है, फिर उसको अपलोड करना है। 4 चीज़ें वो अपलोड होती है उसके अंदर, लास्ट में आपकी फ़ोटो, आपका पासपोर्ट, आपका वर्क परमिट और एक गारंटर। उसके बाद दैट्स इट, अपना फीस भरो, आपका सिक्योरिटी गार्ड का आ जाएगा, ठीक है? तो अब मैं ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ। वाइफ की ड्यूटी आज लेट तक है, उसने कहा था कि मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज उसका कॉलेज ऑफ था, तो 7 घंटे की ड्यूटी पे वो है, वो आएगी, फिर खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे। तो नया इंटरनेट लग गया है, नई खुशखबरी, और अब हम आटा वाटा गूंदेंगे, तैयारी कर लेते हैं, मैडम आने वाली है। और एक दुख खबरी, कल भी मेरे को जॉब पे नहीं बुलाया, मुझे जॉब से ऑलमोस्ट निकाल ही दिया क्योंकि काम ही नहीं उनके पास। हाँ काम नहीं उनके पास, लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं ना, उसके हस्बैंड उस पर नहीं है ना पिकअप पे, इसलिए मैंने खाना तो खा लिया है ना, ब्लॉगिंग करती है, पीछे से बोलते रहता हूँ ब्लॉगिंग कर लिया करो, कर लिया करो, मैं रोटी बना रहा था और इन्होंने यहाँ पे खा भी लिए। तो और मैंने बहुत ही गंदी रोटी बनाई है भाई आज, कभी बहुत टाइम बाद बनाई है ना, नहीं बीच में सही हो गई थी। ये देखो कैसे नक्शे बन रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा। और ये क्या बन रही है, मैगी। अब मैगी रेडी होगी अपनी मसाले वाली, तड़के वाली मैगी। दाल बनी है, बाकी तो देख ही रहो क्या फैला। तो भाई खाने में एक चीज़ ये, तो भाई क्या होता है, इसी से शुरू करता हूँ मैं लाइन। ये क्या चीज़ है, तोबा से तो भाई हो गया। देखो स्पेशल मैगी बनी है, इसमें गाजर और टिकिया कलाम, प्याज और मैगी। आप तो ऐसे बोल रहे हो, मैंने एक वीडियो देखी थी
ये क्या है शी जी? इट्स मॉइस्चराइजर नो। अगर आप मॉइस्चराइजर बोल के दुल्हन के मुंह पे लगाओगे तो वो समझेगी 100 रुपये वाला। अगर 100 रुपये वाला भी आप बोलोगे इट्स अ मॉइस्चराइजर, हाँ, तो वो समझेगी महंगा वाला है। तो ऐसे भर भर के लेना है। इट्स अ मॉइस्चराइजर। सबको दुख है यहाँ आने का, जो नहीं आ पा रहे हैं कैसे आए, है ना, और जो यहाँ आ गए उनको दुख है कमाने का, कि शिफ्ट नहीं मिल रही कैसे कमाए, है ना। वाह वाह, क्या बोला है। बोलते तो ऐसे ही है गहराइयों में, एक वो परेशान है, एक ये परेशान है, मैं तो हूँ ही। अब इसके गाना तो देख लो, नहीं सुन लो, सॉरी। हाय गाइस, मैं अच्छी लग रही हूँ ना बहुत इस वक्त? मैं बहुत थकी हुई हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, आपको महसूस हो रहा होगा, बस महसूस सिर्फ मेरे को ही हो रहा है, बस किसी को हो रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय टाटा, सी यू, कल मिलते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट फ्रॉम कनाडा।